हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस तरह के गोपाल जी के लिए पगड़ी बनाने वाले हैं हम, और आपको बताएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हमने सिर्फ इसको नेट के फैब्रिक से बनाया हुआ है। और ये 4 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया हुआ है। बी के ऊपर से 4 नंबर को भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना बी के 5 नंबर के गोपाल जी में भी इस पगड़ी को आप डाल सकते हैं। और मटेरियल हमने अपने हिसाब से चिपकाया है, अगर आप कुछ और मटेरियल रखे हो उसके हिसाब से चिपकाना चाहते हैं तो आप इसको चिपका सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बन रही है हमारी पगड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये पगड़ी। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है और उस पर लाल रंग का कपड़ा चिपका दिया है। जिस तरह से हमारा चिकना साइड रहता है उधर से हमने इसको प्रेस कर दिया है तो हमारा ये चिपक जाएगा, रुखड़ा साइड हमारा ये बाहर दिखेगा। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई हम देख लेते हैं तो इसकी लंबाई पूरे हमारी लगभग 5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये 1/2 इंच के लगभग देख रहा है, यहाँ पर हम इस तरह से ये मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें इसको हम तिरछा कट करेंगे इस कपड़े को, इसके बाद हम मार्क लगाएंगे ये इस तरह से हम इसको कट करेंगे। तो चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ये वाला शेप देख रहे हैं जो इस तरह से हमने इसको कट किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने मार्क लगाया था 1/2 इंच, यही लगभग देखते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक हमें एक लाइन बना लेना है। इस तरह से हमें लाइन बना लिया है और इसको यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से पहले हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पहले भी कट कर सकते हैं, तो हम इधर की साइड से कट करेंगे तो हमको ज़्यादा इजी रहेगा। खूब चौड़ा चौड़ा पट्टी हमें नहीं कट करना है, ये इस तरह से इसको हमें कट करना है। तो चलिए पूरे को हम कट कर लेते हैं। इस तरह का हमने कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद में हमें क्या करना है कि इसमें इस तरह की कलंगी बनानी है। तो ग्लू का काम हम एक साथ करेंगे, जो पहले बाकी काम है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें इसके लिए हमने एक पट्टी ली हुई है, नेट की पट्टी है। साढ़े 9 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई रखी है हमने ये लगभग 1/2 इंच है। अब हमें क्या करना है कि इसमें इस तरह से प्लेट बनाना है कलंगी के लिए। अब आराम से रखेंगे, कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो जाता है लेकिन नेट का है तो ये पतला रहता है, इसमें ढेर सारा प्लेट आपका आ जाएगा, पकड़ पाएंगे आप। अगर आपसे कोशिश करिए कि पतला बन पाएगा तो पतला बनाइए, नहीं बन पाएगा तो थोड़ा सा, अगर चौड़ा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते बनाते फिर आपको आदत लग जाएगी तो आप पतला भी बनाने लग जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मेरा पकड़ने में हाथ से भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको हम धागे से इसको बांधेंगे। तो चलिए पहले इसको बांध लेते हैं। इसी कलर का हम धागा लेंगे और ये प्लेट हमारा खुल गया था तो मैंने फिर से इसको लिया है और लेने के बाद में यहाँ से इसको हम पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में इस तरह से हम इसको लपेटेंगे।
अच्छे से हमने यहाँ पर इसको लपेट लिया है। लपेट लेने के बाद में इसको इस तरह से हम नोड लगा देंगे। और इसके बाद इस धागे को हम कट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ये ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप कट करके इसको निकाल सकते हैं। और देखिए ये हमारी प्यारी सी यहाँ का कलंगी बन के तैयार है। इसमें भी ज़्यादा है तो इसको भी हम कट कर देंगे। इसको मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। अगर आपकी एक बार में ये खुल जा रही है कलंगी तो आप दोबारा इसको फ्रिल बना करके रेडी कर सकते हैं। और नेट का ही ये बहुत ही अच्छे से आराम से तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें इस तरह की एक पट्टी तैयार करनी है। ये पट्टी हमारी ये लगभग 1.25 इंच की हमारी पट्टी, 1.25 इंच नहीं, ये 1/2 इंच की पट्टी है। यानी हमने 1.25 इंच कपड़ा लिया था, दोनों साइड से इसको फोल्ड किया है। अब देख सकते हैं थोड़ा सा इधर से फोल्ड किया, थोड़ा सा इधर से फोल्ड किया इस तरह से। और इसके बाद इसको फोल्ड करके इस पर प्रेस लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि हॉट ग्लू का काम करना है। तो ये रेड वाला कपड़ा है इसको हम अंदर करेंगे। अंदर करने के बाद में इसके ऊपर इसको रख करके इस तरह से हम ये चिपकाएंगे। तो चलिए अब चिपकाने वाला काम कर लेते हैं। इस तरह से पहले यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। और इसको अच्छे से हम चिपका लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारा जो फोल्ड है इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और सपोर्ट के लिए इसको हम अंदर में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सपोर्ट के लिए अंदर डाल दिया है और डाल करके इसको चिपका लिया है। ये देखिए तो ये यहाँ तक हमारा बनके कंप्लीट है। ये थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है इसको हम थोड़ा सा बाहर से ही चिपका देते हैं। हमें इसमें आगे क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है कि जो स्ट्रिप को हमने कट किया हुआ है इसको ग्लू से चिपकाएंगे और इस तरह से इसको यहाँ से हम ले आएंगे। ये हमें ध्यान देना है कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा यहाँ पर इस तरह से जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ से और यहाँ से जाने के बाद में हम पीछे के साइड से करते हुए ये यहाँ पर हम इस तरह से तिरछा ले आएंगे। यहाँ पर हम लेकर आएंगे और जब यहाँ पर आएंगे हम तो फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको चिपका लेते हैं। होने के बाद में इसको फिर इसी पर चढ़ाते हुए हम ले आएंगे यहाँ से। ये देखिए दूसरा लेयर हमारा आ रहा है ये। और जो दूसरा लेयर आएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हम नीचे की तरफ ले आएंगे। ये यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ से जाने के बाद में फिर हमारा ये कवर इधर करेगा। और फिर इधर से हमारा ये नीचे जाएगा। कपड़ा हमारा कम पड़ गया है तो हम इसी में का एक और लेयर कट किए हैं, उस लेयर को यहाँ से अब हम चिपकाना शुरू करेंगे।
इसको यहाँ पर करेंगे तो हमारा इसको भी हम चिपका देते हैं, फिर दूसरा लेयर को हम लगाएंगे। दूसरा वाला लेयर हमें जोड़ना है तो इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे। और इसको यहाँ से लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मुड़ा हुआ साइड है वो हमारा ये देखिए नीचे की तरफ में जाएगा, और जो खुला हुआ साइड है वो हमारा ऊपर के साइड में रहेगा। ये जो हमारा एक्स्ट्रा लग जा रहा है इसको हम बाद में निकाल देंगे। एक लेयर और हम ले जाएंगे क्योंकि हमारा कपड़ा भी बचा हुआ है और नीचे के साइड में जो है वो हमारा अच्छे से हाइड भी हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बेस बन के कम्प्लीट है। ये आपको लेयर दिख रही है इधर से क्लियर, और इधर से भी ये आपको लेयर क्लियर दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा बाकी है, यहाँ पर जब हम कलंगी लगाएंगे तो ये हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। कलंगी लगाएंगे इसमें तो कलंगी हम इस तरह से लगाएंगे, ये जो हमारा एक लेयर हमने ज़्यादा फोल्ड किया है तो ये हमारा स्पेस यहाँ पर मिल जा रहा है, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसको कलंगी लगाएंगे और ये जो हमारा नोड है इसी में हमारा हाइड हो जाएगा। और एक कलंगी है हमारा, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और लगा करके इसको चिपका लेते हैं। इसके बाद फिर आपको डेकोरेट करने को बताएंगे। वो हमने चिपका लिया है यहाँ पर। चिपकाने के बाद में इस तरह के जो भी आप मटेरियल चिपकाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसको इस पर चिपका लेंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, लगा करके डेकोरेट करके फिर आपको दिखाऊँगी। इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट करके कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर हमारा हमने शुरू में भी बताया था कि एक लेयर हमने इस पर ज़्यादा लगा दिया है, इसीलिए हमने 1 2 3 4 लेयर इस पर स्टोन चैन लगा दिया है, और इधर के साइड से हमने 3 लेयर लगाया है। और आप अपने पास में जैसा मटेरियल रखे हो उसके हिसाब से डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप डेकोरेट कर सकते हैं। बेस बनाना हमने आपको बताया है, ये 4 नंबर के गोपाल जी में डाल देंगे आप कैप, और 5 नंबर के जो गोपाल जी होंगे उनमें बिना आप बिक के ये कैप डाल सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो रही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।